अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जो टॉपिक है बहुत डिफरेंट टॉपिक है। आज मैं अपने सारे जो मेरे अच्छे अच्छे से फ्रेंड्स हैं, मैं उनका नाम लेने वाली हूँ, अपनी वीडियो में उनका बताऊँगी। और आज मैं कुछ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपसे शेयर करूँगी अपने हवाले से। और माशाल्लाह से ये जर्नी कैसी रही ये मैं पूरी आपको बताऊँगी कि ये यूट्यूब की जर्नी कैसी रही। तो आज से मैंने 9 महीने पहले, ठीक है, 9 मंथ से अगो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, नीलम का किचन एंड ब्लॉग्स। तो मैंने शुरू में तो ये था कि मैंने जो रेसिपीज़ बनाई थी और ये वो, मेरा पैशन था ये सारा काम करना। और फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, उसमें ये कि मुझे टाइम नहीं मिला। मेरे हस्बैंड मुझे आज से 5 साल से यही बात बोल रहे थे कि तुम ये चैनल स्टार्ट कर लो। तो लेकिन मैंने लॉकडाउन में यही सोचा कि मैं ये चैनल स्टार्ट करूं और इसके साथ साथ जो है अपनी जर्नी आपसे शेयर करूं। तो ये मैंने स्टार्ट किया था 9 मंथ्स पहले। तो जब स्टार्ट किया था तो तब मैंने ये सोचा नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा चैनल जो है वो 7 महीने के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह उस पाक परवरदिगार का एहसान है कि 7 महीने के अंदर चैनल जो है वो मेरा मोनेटाइज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है बहुत मोनेटाइज, तो देखें आप लोग अपना चैनल करवा लेते हो कि हो जाता है, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद आपके चैनल को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। आपको अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने पड़ते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी पड़ती हैं, आपको कुछ नया लाना पड़ता है, आपको कुछ अमेजिंग करना पड़ता है, कुछ डिफरेंट करना पड़ता है जो दूसरे किसी ने ना किया हो। तो मैं तो हर वक्त की दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि मैं क्या चीज़ न्यू लाऊँ, मैं क्या चीज़ें न्यू लेके आऊँ या मैं कुछ ऐसा डिफरेंट करूँ। तो बहुत से ऐसे अभी आगे आप लोग देखेंगे कि मैंने बहुत सारे ड्रामे बनाए हैं, बहुत सारे ड्रामे बनाए हैं और मैंने उनमें शॉर्ट फिल्म्स हैं, स्टोरीज़ हैं, और कुछ डिफरेंट करने का मैंने कोशिश की है कि अपने हवाले से कि कुछ डिफरेंट किया जाए। क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें बाहर मुल्कों की चीज़ों को हम लोग देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम क्यों ना ये चीज़ अपने पाकिस्तान में भी लाएँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें करने की कोशिश की है, तो इसमें ब्लॉग्स भी हैं। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि मेरे फ्रेंड्स कौन कौन से हैं जो फर्स्ट डे से मेरे साथ हैं। ठीक है, फर्स्ट डे से जो मेरे साथ हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक होते हैं लंदन टू लाहौर, लाहौर टू लंदन, वो बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, और बहुत अच्छे वो फर्स्ट डे से मेरे साथ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और एक है मौली मिकू क्रिएशन, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं फर्स्ट डे से, वो मेरे साथ हैं। अमाल अली हो गई, वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस करती हैं। प्लीज़ आप लोग सब इनको फॉलो करें, इनको भी सपोर्ट कीजिए। और आलिया हैं, आलिया के व्लॉग्स हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं, बहुत ज़्यादा उनके कमेंट्स पढ़ के दिल को खुशी होती है। और कुछ मेरे इतने अच्छे अच्छे से फ्रेंड्स हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। आयशा हो गई, आयशा कुकिंग स्किल है, उनको आप फॉलो करें। और अमाल अली है, उनको फॉलो करें। ये सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और एक बाहर की फ्रेंड्स हैं, उनको आप फॉलो करें। बाहर के भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं अच्छे अच्छे जी। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को जो मैंने बताया कि इतने अच्छे अच्छे से कमेंट्स मेरे सारे फ्रेंड्स करते हैं, तो उन सबको मेरे दिल से शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और साथ साथ आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे पर्सनल भी मैसेजेस करके बोलते रहते हैं कि नीलम आपकी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, या ये या वो हर चीज़ आप लोग मुझे बताते हैं, ये चीज़ बुरी लगती है। मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं, जो बुरा होता है उनको कहते हैं हाँ ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो इसे चेंज कर लो, जो चीज़ अच्छी होती है उसको कहते हैं हाँ ये चीज़ आप चेंज कर लो। तो माशाल्लाह वो जो है मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो हमेशा मेरे साथ सपोर्ट करते हैं और हमेशा जो है वो मुझे अच्छी अच्छी सी एडवाइस देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ जो है अपने हवाले से जो मैं देने चाहती हूँ, जिसका हर इंसान को इंतज़ार होता है, और ये गुड न्यूज़ आज से तकरीबन 1 महीने पहले आ चुकी है। मैं डेट भी आपको मेंशन करूँगी, लेकिन मैंने 1 महीने से ये गुड न्यूज़ जो है अपने छुपा के रखी, समझे छुपा के नहीं रखी, मैंने बताई नहीं, क्योंकि कुछ दिनों से जो है वो क्या कहते हैं, मैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं व्लॉग्स वगैरह जो है बस वही वीडियो वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं इस हवाले से कोई वीडियो बनाऊँ। तो आज मैंने स्पेशली अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकाल के ये वीडियो बनाई है। तो आज ये आप लोगों से मुझे शेयर करना है कि मेरी एडसेंस की जो गूगल एडसेंस है इसकी जो है बुकिंग आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके रब का बहुत बहुत शुक्र है कि ये पिन आ गई है। और ये
आप लोग देख सकते हैं कि ये गूगल एडसन की पिन जो है वो मुझे रिसीव हो गई है, और आज से एक महीना पहले ये मुझे रिसीव हुई थी, लेकिन मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है, क्योंकि मेरा अभी तक मैंने सोचा था कि मैं जब वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के सामने ही इसको ओपन करूंगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि यार ये जल्द से जल्द हमारी ये पिन आ जाए और एडसन पिन आ जाए हमारी गूगल से। तो मेहनत कीजिए, अच्छे अच्छे से कॉन्टेंट अपने वीडियोज़ में लाइए, अच्छे अच्छे से वीडियोज़ बनाइए, कुछ स्टोरी हो, कुछ नई चीज़ें हो, डिफरेंट हो, तो आप लोगों की भी चैनल इंशाल्लाह ग्रो ज़रूर करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हर यूट्यूबर की ये फर्स्ट यानी कि समझने की ख्वाहिश होती है कि उसकी एडसन पिन जल्दी से आ जाए और वो जो है गूगल अकाउंट की एडसन जो है वो पिन आ जाए। तो ये सबकी ख्वाहिश होती है इंशाल्लाह, जो जो मेरी फ्रेंड्स हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से इसको ओपन करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, रिद्धा सिंह एंड व्लॉग्स हैं। आप प्लीज़ उन सब आप सबसे मेरी सारे फॉलोअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके चैनल पे जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, और प्लीज़ आप सब उनको सपोर्ट कीजिए। और इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ता है, वो किसी मुकाम तक पहुँचता है, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आगे जाइए। और जो है बस यही मुझे आपसे कहना था। तो ये जो है मैं ओपन करने लगी हूँ, ठीक है, ये देखें इस तरीके से जो है मैं इसको यहाँ से, तो ये जो है ये आ गई है मेरी एडसन पिन। अब ये जो पिन नंबर है मेरा, ये जो मेरा पिन नंबर है, अब मैं इसको इंटर करूंगी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है गूगल की तरफ से मेरा जो चैनल है वो वेरीफाइड हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पिन भी आ गई है। तो ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की अपनी जर्नी, और खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उस पाक परवरदिगार का बहुत एहसान है कि उसने हर हाल में इंसान को खुश रखा है, उसने हर हाल में हम सबको खुश रखा है। वो बहुत अच्छा परवरदिगार है, अगर सच्चे दिल से कुछ चीज़ मांगी जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है। और हर यूट्यूबर की यही शुरू की यही बात होती है कि बस उसकी एडसन पिन आ जाए गूगल से और उसके जो है अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया और इतना सारा साथ दिया, और इस प्यार का और साथ का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स जो मुझे हर वीडियो पे मैसेजेस करते हैं, जो हर वीडियो को मेरी देखते हैं और जो मेरी हर वीडियो को पसंद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप सब मेरे सब बहुत अच्छे अच्छे व्यूवर्स हैं और बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, और इसी तरीके से हम एक दूसरे का साथ देंगे इंशाल्लाह। और अच्छा, मैं आपको ये गूगल एडसन पिन के हवाले से एक और बात ये क्लियर कर दूं कि आप लोग जब भी अपने एडसन अकाउंट में जो वेरीफाइड आपकी चीज़ें होंगी उसमें आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि फ़ोन नंबर अपना ज़रूर ऐड करना है, और अगर किसी का नाम उर्दू में होता है या किसी का नाम आईडी कार्ड पे इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने अपना एक तो आईडी कार्ड नंबर सही लिखना है, आईडी कार्ड नेम जो आपके आईडी कार्ड पे नेम है वो आपने एडसन अकाउंट में वही नेम ऐड करना है, कोई डिफरेंट नेम आपको यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब जैसे मेरा ये नाम था कि सैयदा नीलम जहरा, ठीक है, यही, और इस तरीके से मैंने वही नाम जो मेरी आईडी कार्ड पे जो मेरा नेम है वही मैंने यही रखा नाम। तो इस तरीके से आपने अपना नाम वही रखना है जो आपके आईडी कार्ड पे है, और क्या कहते हैं, जब भी आप अपने एडसन अकाउंट यानी के पिन के लिए आप लोग अप्लाई करें तो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखना है। मैंने तो अपने दोनों नंबर लिख दिए थे, कॉन्टैक्ट नंबर दोनों अपने मैंने लिख दिए थे, उससे ईजी हो जाता है कि आसानी से आपकी जो ई मेल के थ्रू ये आता है तो आसानी से आ जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को केयर करनी है, जो आप लोगों को एहतियात करनी है एडसन पिन के लिए। जब भी आप लोग अप्लाई करें तो आप लोगों ने बिल्कुल सही अपना सही एड्रेस लिखना है, ठीक है, जहाँ पे जो एड्रेस आपका है बिल्कुल सही लिखना है, बहुत आपको ध्यान से ये सब बनाना है। और आपने अपना फ़ोन नंबर अपना बिल्कुल करेक्ट लिखना है, ठीक है, और आपने अपनी सारी चीज़ें सही लिखनी है, स्पेलिंग चेक कर लें अपनी नेम्स की, स्पेलिंग जो भी आईडी कार्ड पे नेम है वो ही सेम स्पेलिंग्स आपकी उधर होनी चाहिए, कोई भी आगे पीछे स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बातों का आपने बहुत ध्यान रखना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी आपकी पिन आ जाएगी। जैसे मैंने अप्लाई किया था तो मेरी
15 डेज से भी 52 वीक्स हुए थे मेरे, 15 दिन के अंदर मेरी एडसन प्रिंट माशाल्लाह आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद जो है अभी मैंने लेकिन आप लोगों के सामने से जो है वो ओपन किया है, लेकिन मेरी एडसन प्रिंट जो है वो एक महीने पहले आ गई थी, यानी कि ये रमज़ानों में आ गई थी। तो मैंने जो है ये बात आप लोगों से आज शेयर करनी थी, ये गुड न्यूज़ है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। और आप लोग इसी तरीके से मुझे मोहब्बत देते रहिए, इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए, इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ज़बरदस्त से ब्लॉग्स के साथ और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।